हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं मुमताज और आप देख रहे हैं सोनी स्टाइल। गाइस, आज का जो वीडियो है सिर्फ इयरिंग के लिए होने वाला है। यहाँ पे कुछ आपको एकदम शाइनिंग ग्लिटर, यहाँ पे आपको स्टोन की इयरिंग। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, ओनली इयरिंग्स का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो इयरिंग है। बहुत ज्यादा यहाँ पे शाइन करा, आप देख सकते हो स्टोन का। यहाँ पे बारीक यहाँ पे स्टोन की जो लेस आती है उस तरह से यहाँ पे पूरा यहाँ पे लटकन लगा हुआ है टैसल के जैसा। तो टैसल तो नहीं है, उसके मतलब यहाँ पे जो स्टोन का लाइन है तो काफी अच्छा लग रहा है। बहुत एक ग्लिटरी एकदम शाइन कर रहा है। बारीक बारीक इसमें आपको एडी के स्टोन मिल रहे हैं और इस तरह से ये भी आपको यहाँ पे स्टड मिलेगा। लेंथ वाइज बहुत ज्यादा है, जिनको ज्यादा लॉन्ग इयररिंग पसंद है तो वो इस तरह से जा सकते हो। वाओ, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। आप देख सकते हो कि पहनने के बाद में कितना अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा यहाँ पे लुक आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा इसका बैक साइड में दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना ये गोल्ड नहीं, ये आपको जिस रोज गोल्ड बोल सकते हो, तो इस तरह के जो इयरिंग है वो काफी अभी ट्रेंडिंग पे, जो गोल्ड और रोज गोल्ड के बीच में जो उनका कलर्स होता है वो कोई भी आप लाइट एंड ब्राइट कलर के ड्रेस पे आप उसको वियर कर सकते हो। तो सिंपली ये सब इयरिंग क्या होते हैं, आपको आप इंडियन के साथ में वेस्टर्न ड्रेस पे भी आप इसको इस तरीके से वियर कर सकते हो। तो गाइज देख सकते हो इस तरह से इसमें इतनी पूरा शाइन और बहुत ही अच्छा लग रहा है पहनने के बाद में, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको जो ये इयरिंग है कैसा लग रहा है। और इसके बैक साइड से भी अच्छी खासी यहाँ पे फिनिशिंग दी हुई है, काफी अच्छा है। इसी तरीके की नेक्स्ट देखेंगे इयरिंग कौन सा है यहाँ पे। गाइज अगेन यहाँ पे जो लॉन्ग यहाँ पे स्टोन का यहाँ पे काम किया हुआ है और यहाँ पे ये रोज गोल्ड जो कलर में आता है इस तरीके से रहेगा। ये भी काफी लॉन्ग है, बहुत ही ट्रेंडिंग पे आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लगा है। इसका बैक साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से रहेगा स्टड के साथ में ही। जो इसका स्टड है उसी के नीचे यहाँ पे जो लाइन है वो स्टार्ट हो जाती है, तो काफी अच्छा लगता है। इसमें सभी इयरिंग वन पीस है तो इस तरह से आप उसको वियर करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। ज्यादातर ऐसे इयरिंग तो बहुत ही जो वन पीस इयरिंग होते हैं, वन पीस मतलब इसी जो लाइन को उस तरह से यहाँ पे अटैच किया हुआ है, कोई अलग से यहाँ पे कोई क्लिप के जरिए, कोई हुक के जरिए, कोई रिंग के जरिए अटैच नहीं है। स्टड स्टड के साथ में जो नीचे इसका जो डैंगलर है वो साथ ही में अटैच है। तो इस तरह के जो इयरिंग होते हैं काफी मजबूत और बहुत ही अच्छे होते हैं, पहनने के बाद में काफी अच्छा लग रहा है। गाइज अगेन यहाँ पे रहेगा इस तरीके से रोज गोल्ड यहाँ पे पैटर्न, आप देख सकते हो यार कितना अच्छा यहाँ पे अमेजिंग डिजाइन है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि डिजाइन बहुत ही प्यारा है, शाइनिंग एकदम फुल है यहाँ पे और पैटर्न बहुत ही अलग हटके है यहाँ पे। इस तरह से फ्लावर पैटर्न में आपको नीचे ना स्टोन का यहाँ पे आपको लटकन मिल रहा है और जो स्टड है वो भी छोटा सा यहाँ पे एक स्टोन का स्टड है। इसका बैक साइड भी आप देख सकते हो कि कितना फिनिशिंग है और कहीं से भी ऐसा कुछ यहाँ पे निकला हुआ नहीं कि आपको कुछ भी नहीं, कभी कभी होता है कि चुपता इरिटेट करते हैं, तो उस तरीके से बिल्कुल नहीं है। फिनिशिंग इयररिंग्स की बहुत अच्छी, आप 100% सभी इयररिंग को बाय कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा है, पहनने के बाद में भी काफी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो कि पहनने के बाद में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये जो इयररिंग ना गाइस बहुत ही लाइट वेट है, आप इसको अगर दिन भर भी वियर करते हो या पार्टीज में जाते हो या ऐसा कुछ फंक्शन है जिसमें आपको जो ज्वेलरी है वो ज्यादा देर तक वियर करनी है तो इस टाइप के जो ज्वेलरीज होती है वो दिखने में भी काफी अच्छी होती है और दिखने में लगता है कि बहुत हेवी है लेकिन एक्चुअल में बहुत ही लाइट वेट होती है। तो इसको आप बहुत देर तक भी वियर कर सकते हो। कोई आपका ऐसा फंक्शन है कि आपको 5-6 घंटा फंक्शन चलने वाला है तो उसके लिए इस टाइप की जो आज के जो भी कलेक्शन है वो बेस्ट है, आप उसको परचेज कर सकते हो अगर आपको ज्वेलरी ज्यादा देर तक वियर करनी हो जो दिखने में भी अच्छी अलग हटके हो और आपको लाइट वेट भी हो, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे कुछ अलग से यहाँ पे जिगजैग पैटर्न में यहाँ पे ये इयररिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक साइड में आपको मोती मिल रहा है व्हाइट और एक साइड में आपको स्टोन का लाइन मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड में आपको स्टोन का लाइन, एक साइड में आपको मोती मिल रहा है तो काफी अलग हटके डिजाइन है। बहुत ही छोटा इयररिंग है जो यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत ही ये बेटर होने वाला है तो काफी अच्छा लगे इस तरह से। बहुत ही एकदम लॉन्ग, मतलब जिनको लॉन्ग इयररिंग पहनना पसंद नहीं है, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही स्टेटमेंट इयररिंग उनको अगर चाहिए तो वो ये इयररिंग डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं क्योंकि पहनने के बाद में काफी अच्छा लग रहा है और शाइन और पैटर्न डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ज्वेलरी के रिगार्डिंग ज्यादा अपडेट्स चाहिए तो आप प्लीज मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए क्योंकि वहां पे मेरे आने वाले ज्वेलरीज है, फोटोज है, कुछ रील्स है वहां पे मेरे आते रहते हैं। तो आप प्लीज प्लीज मुझे इंस्टा पे भी फॉलो जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।